मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को दी बड़ी सौगात। टॉपर्स विद्यार्थियों को इनाम देने की घोषणा। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को द्वारा 10वीं और 12वीं के बोर्ड विद्यार्थियों को दिए गए बड़े तोहफे के विषय में। क्या पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, आपको बता दें कि 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को शिवराज सरकार का बड़ा तोहफा। दोस्तों, एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी है। जनरल प्रमोशन और बेस्ट ऑफ 4 योजना के लाभ के बाद सरकार ने उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देने का फैसला किया है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने शंकर शाह रानी दुर्गावती पुरस्कार देने की घोषणा की है, इससे पहले के सैकड़ों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। दरअसल, आदिम जाति कल्याण विभाग ने वर्ष 2019 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह रानी दुर्गावती योजना में दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा की है। बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10वीं की परीक्षा में सतना जिले के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र अमित राज कौल को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 51,000 रुपए की राशि दी गई थी। छात्र अमित राज ने 500 में से 487 अंक प्राप्त किए हैं और द्वितीय पुरस्कार शिवपुरी जिले के सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर कोठी के छात्र दीपक भगत को दिया गया था। इन्हें पुरस्कार स्वरूप 40,000 रुपए की राशि दी गई है। दीपक भगत ने 500 में से 486 अंक प्राप्त किए हैं। छिंदवाड़ा जिले के नवदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा कुमारी लता तेकाम ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। कुमारी लता तेकाम को पुरस्कार स्वरूप 30,000 रुपए की राशि दी गई है। कुमारी लता ने 500 में से 484 अंक प्राप्त किए हैं। बोर्ड की परीक्षा की कक्षा 10वीं की परीक्षा में बड़वानी के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कुमारी नेहा को मेरिट सूची में 4th स्थान प्राप्त करने पर 15,000 रुपए और मंदसौर के शासकीय बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल की कुमारी मधुबाला को 5वां स्थान प्राप्त करने पर 10,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है। कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कार मिला। दोस्तों, आदिम जाति कल्याण विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है। श्योपुर जिले के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कुमारी रूपा तिग्गा को अनुसूचित जनजाति की मेरिट सूची में अंक प्राप्त करने पर प्रथम पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 51,000 रुपए की राशि दी गई। मेरिट सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर बुरहानपुर के सेवा सदन ENG उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र अंकित घांडे को 40,000 रुपए की पुरस्कार स्वरूप राशि दी गई। सीधी के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र अरविंद सिंह को तृतीय स्थान मिलने पर 30,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भोपाल के NKN गोविंदपुरा की छात्रा कुमारी विशाखा पोछाटे को चतुर्थ स्थान प्राप्त करने पर 20,000 रुपए और दमोह के शासकीय आदर्श मल्टी पर्पस की कुमारी प्रियाशी गोंड को मेरिट सूची में 5वें स्थान प्राप्त करने पर 15,000 रुपए और भोपाल के नालंदा पब्लिक स्कूल अरेरा कॉलोनी की कुमारी मुस्कान धुर्वे को मेरिट सूची के 6वें स्थान प्राप्त करने पर 10,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। यदि हम बात करें रिजल्ट की, तो जल्द ही होगा 2020 का रिजल्ट जारी। दोस्तों, एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2020 को लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार सेकेंडरी ऑफ और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा जुलाई 2020 के प्रथम सप्ताह के दौरान की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से कहा गया है कि नतीजे जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे, जबकि 12वीं के परिणाम जुलाई के तीसरे सप्ताह में अपेक्षित हैं। परिणामों की घोषणा के संबंध में अपडेट के लिए छात्र जो है बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbsc.nic.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं।